आप सभी को नमस्कार। आज हमारे लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि हमारे बीच हिंदी के प्रसिद्ध कवि, आलोचक, प्राध्यापक प्रोफेसर शिरीष कुमार मौर्य जी हमारे बीच में हैं। और आज उनकी पुस्तक धर्म और नाव नहीं पर हम लोग चर्चा करेंगे। हिंदी विभाग उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय आप सभी का स्वागत करता है। प्रोफेसर शिरीष कुमार मौर्य किसी परिचय के मोहताज नहीं है। 13 दिसंबर 1973 को नागपुर में आपका जन्म हुआ। प्रारंभिक शिक्षा उत्तराखंड में ही और उच्च शिक्षा कुमाऊं विश्वविद्यालय में आपकी हुई। आपकी ढेर सारी रचनाएं प्रकाशित हैं जो चर्चित रही हैं, जिसमें कुछ प्रमुख रचनाओं का मैं जिक्र करूंगा। पहला कदम, शब्दों के झुरमुट, पृथ्वी पर एक जगह, जैसे कोई सुनता हो मुझे, दंत कथा और अन्य कविताएं, खाटी कठिन कठोरती, ऐसे ही किसी जगह लाता है प्रेम, ऋतुरैण जो काफी चर्चित संग्रह रहा, उसके अतिरिक्त ढेर सारे संग्रह हैं, धनुष पर चिड़िया, लिखत पढ़त, प्राणी का संसार, कई उम्रों की कविता आलोचना आपकी, धरती जानती है, यहूदा अमिखाई की कविताओं का अनुवाद अशोक पांडे के साथ, कुंभ सिंह की कविताओं का अनुवाद। संप्रति आप महादेव वर्मा सृजन पीठ के निदेशक भी हैं और हिंदी के वर्तमान दौर के अच्छे कवियों में से एक। तो मैं इस बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए राजन जी के पास राजन जी को आह्वान करता हूँ कि इस बातचीत को आगे बढ़ाएं और श्री जी से इस पुस्तक के बारे में और उनकी इस कविताओं पर कुछ बातचीत करें। स्वागत है आपका। जैसा मैं आपसे अभी अनौपचारिक बातचीत के समय कह रहा था कि इस पूरे कविता संग्रह में वो कौन सी कविताएं हैं जो आपको खुद बेहद प्रिय रही और जिनको लिखने का संतोष इतना बड़ा था कि लेखक का संतोष जो होता है कि वो उस संतोष के आगे बाकी कोई चीज नहीं होती, वो कौन सी कविताएं होंगी जिनको आप अंडरलाइन करना चाहेंगे, जिनको आप दोबारा पाठकों से कहना चाहेंगे कि ये वो खास कविताएं हैं, ये मेरी केंद्रीय भाव को लेने वाली कविता है। अब मैं अपने लिखे को तो क्या अंडरलाइन कर पाएगा पाठकों के लिए, लेकिन पाठकों के लिए असल में मैं इसको अगर थोड़ा विस्तार से कहूं कि ये किताब किस तरह से मन में आई, या ये जो पूरी वो है श्रृंखला है ये किस तरह से मन में आई, हुआ ये कि बुद्ध को मैं पढ़ता आ रहा था विद्यार्थी जीवन से, और सामान्य जनजीवन से जो वास्ता है उनकी फिलॉसफी का, वो जैसे आप तो हिंदी के लोग हैं, हम लोग सभी इससे जान सकते हैं कि जब महाकाव्य लिखे गए संस्कृत में, जो भाषा थी ज्ञान की, उपदेश की, शास्त्र की, ईश्वर के बारे में या ईश्वर का विरोध करने के बारे में या जिस भी बारे में जो भी बहस होती थी वो संस्कृत में होती थी, बुद्ध ने अपने उपदेश पाली में दिए, है ना। पाली गांव को कहते हैं पल्ली, पल्ली है ना, तो पल्ली की भाषा पाली, तो गांव के लोगों से, यानी कि जो बहुसंख्यक समाज था, इससे इस चीज से हमें बहुत सी चीजें पता लगती है कि अगर उन्होंने अपने उपदेश पाली में दिए हैं जबकि वो खूब शिक्षित थे, राजकुमार थे, क्या नहीं पढ़ा होगा, क्या नहीं जाना होगा उन्होंने, उनको क्या क्या सांसारिक रूप से नहीं आता होगा भाषा के स्तर पे, लेकिन उन्होंने अपने उपदेश दिए उस भाषा में जो सामान्य जन की भाषा थी, और शायद उनका ये उद्देश्य रहा होगा और बिल्कुल रहा होगा कि जिसके लिए ये धर्म है, जिसके लिए ये मार्ग है, जो मैं अपने अनुभव से जिसको मैंने खोजा है या खोजना चाह रहा हूं, उन लोगों तक ये बात जाए, क्योंकि आपको पता है कि कुछ भाषाएं केवल उपदेश या फिलॉसफी की या शास्त्रों की बहस की चीजें बन के रह जाती हैं, लेकिन लोगों तक कैसे जाए, तो जाहिर सी बात है कि लोगों तक जाएगा तो उतनी ही सरलता से भी जाएगा। तो आप उस बुद्ध के पूरे उस मतलब अगर सिर्फ उनके धम्म पद को ही देखें तो बहुत सामान्य रूप से, सामान्य रूपकों के सहारे, फूल के सहारे, सत्य के सहारे, झूठ के सहारे, मोह के सहारे, इसी से नाम है उनके सब, है ना, जीवन के सहारे, मृत्यु के सहारे, एक आम आदमी, एक मनुष्य के जीवन में जितनी चीज़ें रहती हैं, रहनी चाहिए, जिनसे वो बनता है, उन सभी के सहारे उन्होंने अपनी बातचीत की। अब जो मेरी बहस आरंभ होती है, बहस भी नहीं है, एक तरह का संवाद है, आप देखिए कि कितनी मजेदार बात है कि बुद्ध ने जब सब कुछ हो गया, जैसे वो
वो जो है उरुवेला के, उनके दो सेवादार कहिए या शिष्य कहिए, देखरेख करने वाले कहिए, वहाँ के लोग थे। उनके नाम इसमें है ना, वो आदिवासी थे, वनवासी थे। जब बुद्ध को ज्ञान हुआ, मेरे मन में ये बार बार होता था कि ये जिनके लिए ये धर्म है ना, सायास है, बुद्ध का ये अटूट मानना है कि ये धर्म किसके लिए है, क्योंकि आसपास तो चीजें हैं और बुद्ध के समय तक जैन धर्म था, लेकिन वो किस तरह से संवाद कर पा रहा था, नहीं हो पा रहा था, क्या हो पा रहा था, ये तो उस वक्त में बेहतर पता होगा उन लोगों को। लेकिन जैन धर्म के होते हुए है ना, लगभग उसके समानांतर एक धर्म, एक पथ, एक मार्ग और हुआ है ना, तो कोई ऐतिहासिक आवश्यकता रही होगी, सिर्फ व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा तो नहीं रही होगी। जबकि ब्राह्मण धर्म से अलग हटने का जो बुद्ध का मामला था, वही जैन धर्म का भी चल रहा। ब्राह्मण धर्म, हाँ बिल्कुल वही चल रहा था, और ब्राह्मण धर्म भी ब्राह्मण धर्म जैसा नहीं था, बन रहा था ना, वो धीरे धीरे आचार्य केंद्रित हो रहे थे लोग है ना, जो शिक्षा हो रही थी, उसके जो संस्थान थे, वहां जो आचार्य थे, तो धीरे धीरे वो बन रहा था, धीरे धीरे वो चीजें हो रही थी। तो बुद्ध उससे बिल्कुल अलग गए। अच्छा, जैनी जैन के साथ ये दिक्कत है कि उनकी जो उनका जो एकांत है और उनकी जो शैली है, वो बिल्कुल अलगा देती थी लोगों को। हाथ में पीड़ा करना बहुत, अपने बाल नोचिए, ऐसे करिए वैसे करिए, वो बुद्ध का ऐसा नहीं था। इनके वहां भी एकांत है, साधना है, लेकिन भिक्षा लेने तो जाना है, भिक्षा लेने तो बस्ती में ही है ना, वो तो इसका जो पहली पंक्ति है उसी विषय में। हाँ। तो अगर ये सब था तो बुद्ध ने अपने उपदेश उन दो सेवादारों को क्यों नहीं दिए जो उरुवेला में उनकी सेवा कर रहे थे? ये मेरे सहज से प्रश्न है, संवाद है, मैं किसी तरह के इतिहास को छेड़ना नहीं चाहता, किसी तरह के मिथकों को छेड़ना नहीं चाहता। एक सहज आज का नागरिक होने के नाते, जो कि धर्म को, धर्म, सत्ता और प्रजा, तीन चीजें हैं, इनके संबंधों पर ये किताब केंद्रित है मेरे हिसाब से। आप लोगों को कुछ और भी लगता होगा, लेकिन जो मैं चाहता था कि मैं कोई एक आख्यान इस पर बना पाऊं, और इसमें जिस धर्म का सबसे कम भूमिका हो सकती थी, न्यूनतम, बौद्ध धर्म की, उसमें मैंने ये पाया कि सत्ता, धर्म और जो आम जनता है उसका संबंध कैसे हुआ, जो मैं आपसे कुछ देर पहले अनौपचारिक बातचीत में भी अशोक का जिक्र कर रहा था, और मैं कह रहा था कि मैं बहुत उत्साह से, बहुत आशा से अशोक के बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेने की घटना को नहीं देखता हूँ। वो दो लोग छूटे, अब बुद्ध सारनाथ है, उपदेश भी दिया, वृक्ष भी हुआ है ना, कहीं इसमें वो भी है कि जो बनारस में पीपल है वो सारनाथ में बोधी है, बोधी है ना, वो रूपक है ना, बोधि तो एक अलग तरह के ज्ञान का पेड़ हो गया, पेड़ एक ही है, और एक पेड़ अलग हो गया, लेकिन पेड़ एक ही है ना, तो दो अलग अलग चीजें हैं उसमें। लोक में घुलना मिलना था, तो लोक में घुलना मिलना था, लेकिन बुद्ध ने अपने उपदेश अपने पांच मित्रों को दिए, महामना, वापा नाम इसमें है, उसमें एक था भद्रक, भद्रक शामिल था, भद्रक शामिल था। बड़ी बहुत ही, मतलब मुझे जो बात सबसे अच्छी लगी, मैं उसी पर आऊंगा, जो मुझे लगातार बार बार मुझे याद आती थी, तो भद्रक उसमें शामिल था, और वो पता नहीं इस भाषा में बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल से करनी चाहिए। ये पांचों शिष्य, मित्र और शिष्य, ब्राह्मण थे, दो वनवासी छूट गए जो उस पूरे उरुवेला में साथ रहे, धर्म लोक के लिए था, आम जनता के लिए था, आम जनता कौन थी है ना, लेकिन इन पांच को प्रथम उपदेश दिया गया, जिसको धर्म चक्र परिवर्तन भी कहते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद धीरे धीरे आप सभी जानते हैं कि आनंद बने, आनंद कौन थे, मैं इस इतिहास में भी नहीं जाऊंगा, राजा, राजकुमार, सत्ता, प्रजा, अब ये पूरा वितान है। जब बुद्ध मर रहे थे तो उनको अपनी कुटिया के बाहर किसी के विलाप करने की आवाज आई, तो उन्होंने आनंद से पूछा कौन है जो रो रहा है बाहर, तो आनंद ने कहा कि
बनते आपका शिष्य और मित्र भद्रक। उन्होंने कहा कि अरे इतने वर्ष पूर्व मैंने प्रथम उपदेश उसको दिया था, वो रो ही रहा है, मतलब इसका मतलब तो उसने कुछ भी नहीं पाया। ये तो आश्चर्य की बात थी कि जिसको जो जिसने पहला उपदेश सुना हो इतने वर्ष बाद वो उनकी मृत्यु के समय भी रो ही रहा है, इसका मतलब वो मुक्त नहीं हुआ। बुलाओ उसको। बुलाया, उन्होंने कहा क्यों रो रहे हो? तो उन्होंने कहा आप चले जाएंगे हमारा प्रकाश चला जाएगा, कौन देगा? तो अपना अंतिम उपदेश भी बुद्ध ने भद्रक को दिया, अपदीपो भव, कि भद्रक अपना प्रकाश आप बनो। ये पूरी कथा है। हम नमित को मतलब मेरा कोई इसमें इस तरह का प्रयास नहीं है कि मैं बौद्ध धर्म का बहुत जानकार हूं या मुझे होना चाहिए इसके लिए। मैं बस इन तीन चीजों को समझना चाह कि आम जनता जिसमें स्त्रियां हैं, लोग बात बहुत करते हैं आम जनता स्त्रियों को भूल जाते हैं, आधी आबादी भूल जाते हैं। वहां भी आप देखिए कि जब बुद्ध का पूरा की पूरा थेरवाद आरंभ हुआ तो थेरियां कहां से आ पाती हैं, उसके जिक्र भी हैं इसमें, है ना, कि कुछ कहीं पंक्तियां आती हैं कि मुंडित स्त्रियों के स्वप्न भी किसी को आ सकते हैं, है ना। प्रेम तो घटा लेकिन पाप नष्ट नहीं हुआ लिखते हैं, मुंडित स्त्रियों के प्रति समाज में प्रेम तो घटा लेकिन पाप नष्ट नहीं हुआ। इस बात को आपने और गहरे क्यों नहीं, जैसे ये एक बड़ा विवाद का विषय है कि बड़े मुश्किल से बुद्ध ने स्त्रियों को जो है वो मठ के अंदर प्रवेश दिया और उसकी कई शर्तें रखी जो सामान्य बौद्धों के लिए नहीं होती, स्त्रियों के लिए कुछ खास शर्तें रखी, इस बात को आपने बिल्कुल नहीं छुआ। देखिए मेरी एक बात हमेशा से समझ में नहीं आती है कि बहुत साधना करने के लिए, बहुत बड़ी दार्शनिक खोज करने के लिए ये स्त्री पुरुष देहों को क्यों अलगाया जाता है? एक जो प्राकृतिक सहजता है उसमें बाधा पहुंचाने से ही सारा ज्ञान मिलता है। देखिए आप मतलब यहां ही नहीं संसार भर में हर धर्म ने ये किया, ईसाइयों ने खूब किया, नन और ये कैसे होगा? मतलब एक तरफ सारे धर्म ये दावा करते हैं कि प्रेम ही हमारा प्रथम उद्देश्य है, मनुष्य का मनुष्य से प्रेम, तो भाई ये बाधा क्यों खड़ी कर? मतलब देह देह की के सहज संबंध को, जो प्राकृतिक संबंध है ना, जिससे संसार चलता है, आप उसी में बाधा करके ही सारी फिलॉसफी, सारी साधना, सारी बुद्धि कैसे होती है? बुद्ध ने भी ये किया। एक और असर करो कहा, और आचार्य शुक्ल जब अपनी कविता के लिए प्रतिमान बना रहे थे तो उसमें एक बड़ा तत्व उनके लिए करोड़ा था कविता के लिए। इस संग्रह को पढ़ते हुए जो एक थुरली आप देख सकते हैं कि करोड़ा को भी आप बार बार प्रश्नांकित कर रहे हैं, क्या शासकों की धर्मनिष्ठता से बहस की और सम्राटों की करुणा पर संदेह किया। इस सब को कर रहा हूं। क्या समकालीन संदर्भ में करुणा ने अपना स्वरूप बदल लिया है? उसने अपना स्वरूप नहीं बदला है, हम लोग उसके मूल स्रोत पहचानने में ही चूकते हैं। सम्राट की, राजा की, किसी बड़े व्यक्ति के द्वारा की गई का करुणा ही मानी जाती है, ऐसा नहीं होता है। एक बहुत सबसे अंतिम पंक्ति के हृदय में जो है विपन्न व्यक्ति जो अपने घर में चार आदमी के परिवार में चार रोटी है उसके पास, उसमें एक भिक्षु द्वार पर आ जाता है, उस चार में से काट कर वो उस भिक्षु को भी देता है, उसका क्या? उसको किसी ने रेखांकित नहीं किया, असली तो वहां मौजूद है ना, का करुणा तो वहां है ना, वो उपजी भी। अच्छा आप ये देखिए ना, बुद्ध ने कुछ काम बहुत ही तार्किक किए थे। करुणा को अगर जानना है तो आपको वहीं जाना पड़ेगा जहां वो अपने वास्तविक स्वरूप में उपस्थित है, इसीलिए उन्होंने नियम बनाए कि भिक्षुक एक बार भिक्षा मांगने जाएंगे, सबसे गरीब बस्ती में जाएंगे, अकाल वाले उसमें जाएंगे, हाँ वो तो मैंने लिखा है उसको इस तरह, उनके आदेश ये हैं कि सबसे वंचित के वहां जाएंगे और जो वो देगा उसको खाएंगे
और ऐसे चार या पांच घरों तक वो अधिकतम जा सकते हैं, नहीं मिलेगा तो लौट आएंगे, जो इस अर्थ में है लेकिन हृदय से समृद्ध लोग हैं, रोटी नहीं है नहीं। लेकिन हृदय से भावना से समृद्ध लोग हैं। तो इस अनुभव को, ये अनुभव रोज अपनी मतलब रोज रोज के अनुभव में ये शामिल हो, जो उनके भिक्षुक हैं वो कभी इससे कटे नहीं। वरना तो बहुत आसान होता है कि साहब एक आदमी के पास जाना है, शहर के सबसे अमीर आदमी के पास जाइए, 56 भोग खाइए, भिक्षा में आ जाइए, यही सब करिए। इसको भी रोक दिया हूं, सबसे गरीब लोगों के वहां की बहन जी आज तो आप ही के वहां खाएंगे, अब बहन जी के वहां खाना है कि नहीं है, जो गांव पूरा जाती है चौपड़ पर बैठा हुआ है वहां भी ऐसा होता है ना कि कई बार हम अतिरेक की बात करते हैं, वैचारिक विरोध हो लेकिन वैचारिक विरोध हो, उसमें चीजों की वास्तविकता को जानकर हो, है ना, वो बिना उसके नहीं होता है। तो बुद्ध ने ये बहुत कामयाबी से इसको लागू अपने समय में किया और ये कुछ समय तक चलता रहा, लेकिन बाद में फिर वही हो गया कि विहार बन गए, वहां सेठों के वहां से अन्न आने लगा, कई चीजें आने लगी, इसमें उल्लेख है ना। इस संग्रह के प्रश्नाकूलता के पीछे क्या समकालीन दबाव क्या महसूस करते हैं? धर्म सत्ता जनता, यही एकमात्र है, त्रिकोण है ये, ठीक है, इनके बीच में संबंध कितना होना चाहिए, क्या होना चाहिए। मैंने तो ईश्वर को लेकर भी बात की है, ये राष्ट्र बिना ईश्वर के नहीं रह सकते, नहीं रह सकते, है ना, इसको ईश्वर चाहिए। और ये मेरी अपनी बात है, और ये भी लिखा मैं इसको सिद्धांत दिखाई न दे किसी को तो कोई प्रेरणा कहां से ले, है ना। और मैं तो एक उस तरह की बात करता हूं कि जब लोग एक दूसरे का साथ देते हैं वो प्रकाश भी धर्म के धम्म के प्रकाश के बराबर ही होता है। तो एक पूरी बहस है, और वो बहस असल में मैं फिर बहस का इस्तेमाल कर रहा हूं बोलने में, वो इसी तीन कोणों पर है, धर्म सत्ता और प्रजा, है ना। यह कोई प्रतीक्षा नहीं थी कि जल नहीं, जन के हृदय में अब भी गाढ़े धुएं से भरी है एक आशा आग, ये मुझे लगता है ये वाली, हाँ ये है कि भद्रक में प्रतीक्षाओं के कई कारण देखे समाज में, हाँ ये वाली देखा, कुछ प्रतीक्षाएं व्यर्थ हुई जाती थी, जैसे राजाओं में मनुष्यता की प्रतीक्षा करते थे अधिकार से वैराग्य पर, संलिप्तता से निर्लिप्तता की उनकी यात्रा का यह शस्त्र सदा अमोघ साबित हुआ, हर गौतम बुद्ध नहीं हो जाता बनते। संरक्षक साधारण परिवारों के सदा वैसे ही रहे, संसार में खटकर अपमानित होकर भी अन्न वस्त्र लाते रहे उनके वास्ते जो उनके सहारे थे, ज्ञान के लिए अपनों का सहारा नहीं छीना, उन्होंने उनका मुख भी प्रदीप्त था, हिलता कांपता थरथराता सृष्टि में उनके होने का उजाला, यह कोई प्रतीक्षा ही थी कि जल नहीं, जल के हृदय में अब भी गाढ़े धुएं से भरी एक आग है, रह रहकर किनारे पर पछाड़े खाता है जो हमारे क्रोध और पश्चाताप का झाग है, सहस्रों वर्ष की प्रतीक्षाओं में जाना है हमने कि आस हो न हो प्रतीक्षाओं का अपना ही एक प्रकाश अवश्य होता है। आपकी कुछ कविताओं में कुछ शब्द ऐसे हैं जो और तो किसी ने प्रयोग ही नहीं की, जो मैं आपसे सुबह होकर कह रहा, वो बात सच है उसमें, मतलब जहां तक मैं जितना मैंने पढ़ा उसके अंदर वो बात 100% सच है। कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका प्रयोग बहुत लोगों ने किया, लेकिन आपने कुछ शब्दों के लिए कसम खा दी कि मैं इसके अलावा दूसरा शब्द लिखूंगा ही नहीं, जबकि उसके लिए वो शब्द हैं। जैसे आपने लोक शब्द का प्रयोग कहीं पर नहीं किया, जन हमेशा जहां पर है आपके पास जन, विरक्ति आप लिख सकते थे, आप लगातार प्रविरक्ति लिखते रहे, ये शब्द चलन में नहीं था, लेकिन आपकी जिद थी मेरे ख्याल से 6 या 7 कविताओं में आपने प्रविरक्ति ही लिखा। उदान और निदान को आपने एक दूसरे के खिलाफ खड़ा किया, आप बार बार कह रहे हैं बहस नहीं कर रहा हूं, बहस नहीं कर रहा हूं, आपने पूरे बौद्ध मत को डिकंस्ट्रक्ट किया, सबसे बड़ा वो फिर बार बार बच क्यों रहे, कह रहे मैं नहीं बहस नहीं कर, नहीं नहीं मैं अभी मैंने कहा कुछ देर पहले कि असल में मैं बहस ही कर रहा हूं, नहीं उसको किस तरह से लिया जाए, आपने करुणा का प्रश्न चिन्ह लगाया, जैसा मैंने बहुत सारे प्रश्न चिन्ह लगाए हैं, आपने उदान और देशना का प्रश्न चिन्ह लगाया, आपके भद्रक को पूरी किताब में
सिवाय एक लीची के कहीं निदान नहीं मिलता। बहस असल में उससे की जाती है जो सामने हो। मैं बच इसलिए रहा हूं, मतलब मैं बचना इसलिए चाहता हूं बहस से, बहस के लिए कोई सामने होना चाहिए। तो अब वो सामने तो है नहीं, है ना, लेकिन एक महान विरासत है उनकी। बौद्ध धर्म बड़ी चीज है, मतलब बहुत बड़ी देन है ना, लेकिन उसको नहीं, उसको या किसी नहीं सुनिए, मैं फिर आपको टोक देता हूं। आपने अभी बोला कि मैं इस वक्त के समाज से सीधी बहस कर रहा हूं, राष्ट्र से, सत्ता से और जन से, इनके संबंधों पर, प्रजा के संबंधों पर। तो ये तो सब आपके सामने है, आपको तो बहस करनी ही पड़ेगी। और आपने एक अनौपचारिक बात में ये भी कही कि इस समय में इसी तरह की भाषा, हाँ बिल्कुल, इसी तरह की करुणा, देखिए ऐसा होता है ना, बहस होनी चाहिए, सवाल भी उठने चाहिए। आपका समय बदलता है, चीजें बदलती हैं, जिस तरह की चीजें आपके सामने आ रही हैं, आप उन चीजों से भाग नहीं सकते। आपको उसी भाषा में उन्हीं उपकरणों के साथ वो करना है। तो मैं करना चाह रहा हूं, मैंने करने का प्रयास किया है ना, और उसके लिए मैंने असल में वो चुना है। बाकी चीजों पर तो होता रहता है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि धर्म और सत्ता और प्रजा, इनके बीच एक अनिवार्य संबंध होता है, इससे कोई बच नहीं सकता, है ना। बुद्ध धर्म जैसा धर्म जिसमें ये न्यूनतम संभावना हो सकती थी, उसका भी अधिकतम इस्तेमाल हुआ है। तो इस दृश्य को मैं उसी समय हुआ है श्रीलंका में, उसी समय हुआ है, इसलिए मैंने इतिहास से उठाया है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब आप ये हो नहीं सकता तो इसको स्वीकार करिए, अब बात करिए। लोग कहते हैं ना कि धर्म को अलग रखिए, ये व्यक्तिगत मामला है, राजनीति अलग रखिए, ये अलग रखिए। ये ऐतिहासिक रूप से आज तक हुआ नहीं, और मुझे लगता है कि तार्किक रूप से संभव भी नहीं ना? क्योंकि ये जो जिसको मैं कह रहा हूं बार बार जन, है ना, उसकी अपनी संरचना है, वो हजारों साल में बनी है ना? उसकी अपनी सामूहिक अवचेतन है जिस पर हम अनौपचारिक रूप से बात कर रहे थे। मिथक है, मिथक के लिए मैंने पहले भी कहा कि मेरा अटूट विश्वास है कि मिथक अपने मूल में कहीं सत्य होता है ना? वो भले इतिहास नहीं है, अगर वो मिथक है तो इसका मतलब कहीं कुछ सत्य है। वो कोई भी पात्र उठाइए, घटना उठाइए, कुछ भी उठाइए, वो कहीं ना कहीं सत्य होता है। तो आपको उतना भर सत्य, अब आपको नई राह खोजनी है ना, आपको नई उलझने सुलझानी है। मेरा ये मानना है कि आप इन बहसों में जाकर तो नहीं सुलझा सकते, कुछ चीजें आपको माननी पड़ेंगी। धर्म सत्ता जनता का एक अनिवार्य संबंध है, ये पूरी किताब यही कह रही है बार बार कि ये संबंध है, इसको स्वीकारिए, अब विचार करिए। अभी संसार इसी बहस में लगा हुआ है कि ये संबंध नहीं होना चाहिए। भाई ये ऐतिहासिक रूप से है और ये मिथकीय रूप से है, ये इतिहास पूर्व की स्मृतियों से भी, ये मानव की संरचना में शामिल है। आप सोचिए कि जब मनुष्य विकसित हुआ होगा, उसने देखा होगा कि चीजें बनाने से बनती हैं। विज्ञान ने सही चीजें बताई तो चीजें बदलती हैं, लेकिन ये संबंध कभी नहीं बदला विज्ञान के आने के बाद भी। कौन सा संबंध? ईश्वर, धर्म, ईश्वर को छोड़िए, धर्म सत्ता जनता। ईश्वर को क्या कैसे देखा आपने, मिथक के लिए या कल्पना के लिए? मैंने पहले ही बोल दिया आपसे दो बार तीन बार कि मनुष्य ने ईश्वर की कल्पना की, जीव और जगत के संबंध को। तो क्या, आप क्या ये समय नहीं आ गया कि इस कल्पना को खत्म कर दिया? नहीं, एक और चीज, क्या कल्पना मरणशील है? लिखते हैं से सब ईश्वर नहीं, उसके जन्म अथवा मरण की कथा है। ईश्वर भी मरता है? नहीं मरेगा ना वैसे। बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं, जो आपने मिथक के लिए कहा, जो आपने शिव के मिथक के लिए ऊपर कहा, 100% सही है। हमने कल्पना की, कल्पना नहीं मरती। तो ईश्वर मरता है? नहीं, फिर मिथक भी नहीं मरता। मेरे लिए क्या है ईश्वर? मैं जो कह रहा हूं इसमें कि उसके जन्म अथवा मरण की कथाएं भर हैं, मैं उस चीज से संवाद कर रहा हूं जिसके बारे में वो है। ये तो नहीं होगा ना, मतलब मेरा ये मानना है, इस बात पर बहुत बहस हो सकती है, ये स्वीकार के चलना होगा। मैं व्यक्तिगत रूप से क्या मानता हूं, मैंने बता दिया अनेक बार, मैंने पूरा विकास क्रम,
अब जो चीज आपके विकास क्रम में शामिल है उससे आप एक झटके में मुक्ति नहीं पा सकते, क्योंकि वो आपके सामूहिक चेतना का अंग बना, आप उसको लगातार रिफाइन कर सकते हैं और रिफाइन करना ही। जैसे जैसे मनुष्य का मस्तिष्क विकसित हुआ है वैसे वैसे ये भी विकसित हुआ है विचार, वो ऐसे नहीं छूटता है, छूटे भी क्यों, क्या हर्ज है। आपको रिफाइन करना है, आपको इसको स्वीकार करके समकालीन दिक्कतों पर, समाज पर, राजनीति पर बहस कीजिए, इन बहस में मत पड़िए, इसका कोई रास्ता नहीं है, इस बहस से तो कोई कुछ मिलना नहीं है। और आप देखिएगा जो मैं कह रहा हूँ वो हो, आपको लगेगा कि ये हो रहा है और ये हो रहा है। एक सवाल में कुछ मैंने बहुत कविता संग पहले से कविता संग्रह पढ़ लिया, सुना भी है साहब, ऋतु रहण वाले के बाद और इस वाले के बाद जो आपकी भाषा का तेवर था वो वीरेंद्रा से मिलता रहा है, मतलब मिलता जुलता रहा है, और क्या कहते हैं इधर चंद्रकांत देवताले से, इन लोगों से, मतलब चंद्रकांत देवताले से तो बहुत ज्यादा वीरेंद्रा से मिला है, वीरेंद्रा से मिला ही है। तो इस बार मैंने देखा कि आप बिल्कुल बीच में चल रहे हैं, इस बार आप ज्यादा ठहरे हुए हैं, आपकी भाषा बिल्कुल अलग लगती है, ये क्या वजह है, आप बदल रहे हैं या समाज सत्ता और जन का दबाव बदल रहा है? ये मैं नहीं बदल रहा हूं, इसके साथ मैं भी जोड़ देता हूं जी, कुछ वाक्य ऐसे हैं ना जो आप गद्य में लिखना चाह रहे हैं, उसका पढ़ते समय पता चल रहा है कि ये वाक्य ऐसे भी सीधा बहुत सीधे तरीके से लिखा जा सकता है, ये सायास है या आपके शिल्प आपके विचार में, ये सायास नहीं है, अनायास। मैं आपको एक उदाहरण दे सकता हूं इसमें मांगने में, और भाषा की जहां तक बात है कि मैं जिस विषय पर काम कर रहा हूं उसमें मैं किस भाषा पर बात करूं, अगर मैं पृथ्वी पर एक जगह की भाषा में इस किताब को लिखूंगा तो आप उसको दो पन्ने भी नहीं देख पाएंगे। हाँ, नहीं पढ़ा। जितना दबाव इसमें है, जितनी ऐठन इसके विचार में है, उतनी भाषा में होनी चाहिए, जितनी जितनी एग्जाइटी इसमें है। मृत्यु की देह के नष्ट हो जाने की घटना निर्वाण कह देने से गरिमा पूर्ण नहीं हो जाती, इसको आप ऐसे भी सीधे लिख सकते थे कि देह के नष्ट हो जाने की घटना, ये जो मृत्यु की देह के नष्ट हो जाने की घटना, ये जो बिल्कुल अलग तरह का वाक्य, ऐसे मैंने 6-7 वाक्य निकाले थे, इसका अल्प विराम हटा दिया है छापने वाले ने, मृत्यु की अल्प विराम देह के नष्ट हो जाने की, मतलब फिर भी उसका बैठक नहीं टूटती। हाँ, आपके पूर्ण विराम वो है मैं बनाया हुआ है, होता है ऐसा, अब मैं इसको ठीक भी करना नहीं चाहता। हाँ नहीं, ठीक करने की कोई बात नहीं है ना, और मसला वही है कि भंते निर्बलों की हत्या ही हुई है सदा, क्या उन्हें निर्माण प्राप्त हुआ, जो आप भी कह रहे थे कि जो अपना अपने दुख में लिथड़े वे जीवित रहना चाहते थे, लड़ना चाहते थे संसार के संघर्षों के बीच, अपने जैसे अनगिन जनों के साथ वे संधान करना चाहते थे उस तथ्य का।